प्रधानमंत्री इस वक्त अपने वाहन से उतरकर सड़क पर पैदल ही लोगों के बीच आ गए हैं। यह अभूतपूर्व दृश्य है। जो प्रधानमंत्री की वेशभूषा है उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये वेशभूषा भी केरल के परिधान धारण कर रखे हैं प्रधानमंत्री ने, उसी तरह से एक उत्तरीय और रेशमी किनारे की धोती कुर्ते के साथ प्रधानमंत्री ने जो पहनी है वो केरल के परिधान से मेल खाती है। केरल का परिधान है दरअसल। और इस बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी कार से वो नीचे उतर आए हैं और पैदल ही लोगों के बीच में पहुंच गए हैं। ये दृश्य अभूतपूर्व है कोची के लोगों के लिए भी, सभी के लिए। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग किस तरह से उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, प्रफुल्लित हैं। उनके प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं और इस क्षण को वो गंवाना नहीं चाहते। फूलों की बारिश कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री के ऊपर। और इस जो भीड़ उमड़ी है हजारों हजार की संख्या में, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है केरल के कोची में। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का परिचायक है आप देख सकते हैं। और शायद कुछ वर्षों पहले तक इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भाजपा के किसी नेता का इस तरह से जन सैलाब उमड़कर स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का यह परिचायक है कि सुदूर केरल में के कोची में भी लोग उमड़ पड़े हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। स्थानीय भाषा में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, प्रधानमंत्री के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हुए आम लोग। और ये देखिए किस तरह से फूलों की बारिश हो रही है। लगातार पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री के मार्ग को आच्छादित कर दिया गया है, भर दिया गया है। ये जो स्वर हैं, जो एम्बियंस है उसको फील करिए, उसको महसूस करिए, लोगों के जोश को, लोगों के उत्साह को, उनके उमंग को, उनके प्रेम को। ये दरअसल इस ये भावना जो है, ये जो भावनाओं का ज्वार है, इसको महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इसका वर्णन करना भी शायद संभव नहीं है। किस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और घंटों से इंतजार कर रहे थे ये लोग ताकि एक झलक अपने प्रधानमंत्री की पा सके। एक नया ट्रेंड अब चला है, हाथ में मोबाइल फोन होता है और उसमें कैमरे से इस क्षण को कैद करना चाहते हैं लोग। जैसे जैसे प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं लोगों का उत्साह, उमंग चरम पर पहुंच जाता है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है ये पूरा इलाका। हाथ हिलाकर स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शुरू में अपनी कार में सवार थे प्रधानमंत्री, लेकिन इतनी भारी भीड़ को देखकर वो स्वयं पैदल ही लोगों के बीच पहुंच गए।
ये लगातार पुष्प वर्षा जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं, और किसी बड़े फिल्म स्टार की भी इतनी लोकप्रियता नहीं होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोगों के बीच में हैं, केरल के कोच्चि शहर में हैं, और एक बड़ा हुजूम लोगों का उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर पहुंच चुका है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका। लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के लिए पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए समर्पित रहते हैं, ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारक है। स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इस देश के गरीब गुरबे हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी सेवा करने को हुई अपने जीवन का संकल्प मान लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक के बाद एक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी गरीबों को उन्मुख ऐसी योजनाएं जो उनके कल्याण को दर्शाती है। देखिए किस तरह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आरती लेकर के थाली सजा करके लोग खड़ी हुई है महिलाएं कि वो अपने प्रधानमंत्री का की आरती उतारेंगी। ये भाव, ये समर्पण, ये प्रेम, ये भावना बहुत बिरले देखने को मिलती है। लगातार पुष्प वर्षा, शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग कमी जुटे होंगे इन सड़कों पर इससे पहले। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर, इन दृश्यों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शैलेंद्र, आप इससे पहले शायद सुदूर दक्षिण के राज्य में और वो भी केरल में कभी कल्पना नहीं की होगी भाजपा के किसी नेता ने, या उत्तर भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों ने, कि इस तरह से इस कदर प्रधानमंत्री का किसी भारत बीजेपी के नेता का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री का ये स्वागत दिखाता है कि उन्होंने लोकप्रियता की का जो शीर्ष है, जो चरम है, उससे भी ऊपर है वो। निखिल, यही वजह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। उत्तर भारत का कोई राज्य हो या फिर दक्षिण भारत का राज्य हो, बीजेपी सत्ता में हो या फिर बीजेपी विपक्ष में हो या फिर बीजेपी उस राज्य में अपनी जड़ें जमाने के लिए संघर्ष करती रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं तब हम देखते हैं कि वो तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी महिला किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहती हैं, युवा किस तरह से स्वागत करना चाहते हैं। तो सभी वर्गों में, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी वर्गों में से एक समान लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह किसी भी राज्य में जब वो जाते हैं और इस तरह से स्वागत होना निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह देती हैं, उस बात की तस्दीक करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह की लोकप्रियता हासिल है, चाहे वो केरल कोच्चि में आज आप देख रहे हैं, या इससे पहले आपने कर्नाटक में तस्वीरें देखी होंगी, या बाकी राज्यों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां पर जब तस्वीरें आती हैं, हर जगह वो एक तस्वीर से वो बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग कितना प्यार करते हैं, कितना उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और प्रधानमंत्री भी कोई वो मौका नहीं छोड़ते, खुद तो वो हम देखते हैं कि रोड शो के दौरान उतर कर पैदल चलते हैं। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पैदल चलते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस पर खुद वर्षा हो रही है, और वो सड़क के दोनों तरफ जो जनता खड़ी हुई है हाथ मिलाकर स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जनता से जुड़ते हैं, उनके संवाद कौशल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो इस तरह से जनता उनका स्वागत करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है, वो लोगों का स्वागत स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उसके स्वागत को वो लोगों का स्वागत स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उसके स्वागत को अपने तौर पर दे पाए। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें वो दिखाती है कि यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बिल्कुल, और जी जिस तरह से आप देख रहे हैं फूलों से
लगभग नहला दिया है प्रधानमंत्री को, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। और जिस तरह से देखने में आता है जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब प्रिय खिलाड़ी या जो खिलाड़ी जब चौके छक्के मारते, आजकल आईपीएल भी हो रहा है, तो जो जिस तरह से उत्साह से चीखते चिल्लाते जो दर्शक है वो दिखाई पड़ते, कुछ उस तरह का उत्साह, उतने आंदोलित, उतने उत्तेजित, उतने प्रसन्न चित्त दर्शक जो है जैसे दिखाई देते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर जो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये उत्साह की तस्वीरें हैं, लोग लगातार हाथ हिला रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। हर व्यक्ति को लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनसे उन्मुख हैं, उनसे मुखातिब हैं, और वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी मौजूद हैं। राजेश, ये जो एक परिवर्तन केरल के राज्य में देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसका आकलन करेंगे? कुछ समय पहले तक शायद सुदूर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह का उत्साह, इस तरह का समर्थन सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए निखिल, मैं पिछले 3 दिनों से केरल में मौजूद हूँ, और जो ये कोच्चि जहाँ पर रोड शो चल रहा है उसको मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ पर केरल के जो नौजवान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, हम देख पा रहे हैं कि दोपहर से तकरीबन 12 बजे से लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका था। मैं रोड शो से पहले तकरीबन 3-4 घंटों से मैं प्रचंड धूप में सड़कों पर खड़ा था, और उस वक्त जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो देखने योग्य थी। दोपहर से ही लोग जो बैरिकेड लगाए गए थे निखिल, उन बैरिकेड के बगल में लोग खड़े होकर जहाँ एक तरफ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, वही फूल बरसाने के लिए फूलों की जो गुलाब की जो पंखुड़िया थी या गेंदा फूल की जो पंखुड़िया थी उसको रखा गया था। साथ ही जो कलाकार थे, जो कलाकार है, कलाकार भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत करने के लिए दोपहर से पलक पावड़े बिछाए हुए थे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका जोरदार अभिनंदन, इस्तकबाल और स्वागत किया जाएगा। और वही नजारा मैं देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और दोनों तरफ जो पंक्तिबद्ध लोग खड़े हैं वो प्रचंड नारे के साथ पूरा जो माहौल है वो गुंजायमान हो चला है, और धीरे धीरे उनकी गाड़ी जो है वो जहाँ पर एसएच कॉलेज जो रैली ग्राउंड है, रैली ग्राउंड की तरफ उनकी गाड़ी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, और रैली ग्राउंड की अगर बात करें तो रैली ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ है। जो राज्य के नौजवान हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करना चाहते हैं, वो देश के विकास मॉडल को समझना चाहते हैं, ताकि जो हिंदुस्तान का विकास मॉडल है निखिल जी, वो कैसे केरल का विकास मॉडल बने, इसके लिए तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से है। तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, वो केरल बीजेपी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत अनेक जो राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता है जो रैली स्थल पर मौजूद है, और प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोड शो से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अब अपने एसएच कॉलेज ग्राउंड जहाँ पर युवम मेगा यूथ कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे ग्राउंड पर वो पहुंचने की तैयारी। ये दृश्य जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, राजेश राज देख रहे हैं, जैसे सड़कों को गेंदे के फूल से पाट दिया गया है, लगातार जो गाड़ी के शीशे हैं वो साफ करने पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं पैदल चलकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं, और अब वो अपनी गाड़ी पर एक तरह से गेट पर बाहर जो जिसको कहते हैं, जिस तरह से वो हाथ पकड़कर बाहर एक तरह से निकलकर खड़े हो जाते हैं, वो दृश्य अब देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है, और ये स्वतः स्फूर्त है जो लोग आए हैं यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो आनंद, जो उत्साह, जो जिस तरह से लोग प्रफुल्लित है वो देखने को बनता है, और इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा हुजूम केरल में जिस तरह से जुटा हुआ है ये शायद अकल्पनीय था पहले। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल जो है। विनोद जी, आपको लगता है कुछ वर्षों पहले तक सुदूर केरल में, दक्षिण भारत में, और किसी भाजपा नेता की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, उनकी जो लोकप्रियता है उससे उसमें लगातार उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कभी इससे पहले सोचा गया था कि इस तरह से किसी प्रधानमंत्री का स्वागत होगा,
क्या वजह, प्रमुख वजह देखते हैं इसकी? निखिल, मैं इस रोड शो पे तो हमारे रिपोर्टर वहाँ बता रहे थे, और मुझे लगता है कि वो जो ग्राउंड जीरो पे खड़े होके बता रहे थे वो तो समझने की जरूरत है ही, लेकिन ये रोड शो आज की तारीख में जो पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने की बात हो रही है उनको भी ये समझने की जरूरत है कि रीच आउट क्या होता है। इसको पीएम मोदी ने जब तक साबित किया है, चाहे वो बनारस में रोड शो करके हो, गुजरात में रोड शो करके हो, नॉर्थ ईस्ट में रोड शो करके हो, या आप महाराष्ट्र में उनके मुंबई में आप देख लें, या साउथ में कर्नाटक में देख लें, पीएम ने रोड शो के जरिए डायरेक्ट सीधे सीधे आम आदमी से अपना संवाद बनाने की कोशिश की है। ये रीच आउट जो है वो बताता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर जननायक के रूप में देश में आता है, जब एक प्राइम मिनिस्टर का सीधे जनता से संवाद होता है, तो वो कई राजनीतिक फॉर्मूला डाइनिंग रूम में या एसी रूम में नहीं बनाता है। ये सारे विपक्ष के लीडर जो आज हम देख रहे थे कि ये इस डाइनिंग रूम से उस डाइनिंग रूम में, इस विपक्ष के नेता उस विपक्ष के रूप में वो मिल रहे हैं, और जो 2024 के लिए अपने अपने फॉर्मूले बना रहे हैं, उनके सामने में सबसे बड़ा टारगेट पीएम मोदी का ये रोड शो है, जो ये बताता है कि जो जन समर्थन और जन सैलाब पीएम मोदी के लिए केरल में भी अगर उभर के आता है, कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में या बाकी स्टेट में फिर उसका जो चमत्कार है, करिश्मा है, वो किस रूप में पब्लिक रूप में दिखता है। तो सवाल सीधा है, ये राजनीतिक मैसेज भी है कि जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे या जनता का जुड़ाव आपसे नहीं होगा, तब आप 2+2=4 करेंगे, तो ये राजनीति में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। राजनीति में सक्सेस तब होता है जब उसका राजनीतिक नेतृत्व का सीधा जनता से संवाद होता है। आप देख रहे हैं कि घरों में, बालकनी में, खिड़कियों में जो एक भीड़ लगी हुई है, लोग देख रहे हैं पीएम मोदी को वहां से अभिवादन कर रहे हैं, ये एक लगाव है। वो किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, केरला में क्या फैक्टर है, राजनीति का क्या इक्वेशन है, ये सब दूर की बात है। सीधी बात ये है कि वो डायरेक्ट पीएम मोदी को जान रहे हैं, वो डायरेक्ट पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं, तो पीएम मोदी उनके सामने में एक ऐसे टॉप लीडर है जो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके सामने में सबसे बड़ी इमेज है, ये रूट शो बता रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी उस इलाके में रोड शो कर रहे हैं जहां उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहां आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एमपी तक सारे लेफ्ट के, यूडीएफ से लेके और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, बीजेपी का अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन अगर उस इलाके में पीएम का ये सपोर्ट मिलता है, ये जन समर्थन मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से अलग हटके जनता के बीच में वो अभी भी राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता है। लेकिन निश्चित तौर पर विनोद जी, और इस संवेद स्वर को जो ये शोर उठ रहा है, मोदी मोदी के जो नारे लग रहे हैं, ये जो भावना है इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से जो प्रसन्न चित्त चेहरे, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब चौके छक्के लगते हैं तो लोग खुशी से चीख पड़ते हैं, कुछ उस तरह से चीखते चिल्लाते संवेद स्वर में शोर मचाते, मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान करते हुए पूरा इलाका, पूरा माहौल, और हर व्यक्ति यहाँ जो खड़ा है सड़क के किनारे वो एक झलक तो पाना ही चाहता है। हर व्यक्ति हाथ हिला रहा है, उसको लगता है कि प्रधानमंत्री उनको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और वो एक बार अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर ले, इस्तकबाल कर ले। जिस लोकप्रियता की बात आप प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, आप जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और देश के हर हिस्से में जो केंद्रीय योजनाएं हैं विनोद मिश्रा जी, वो पहुंचती हैं, शायद ये एक वजह है कि लोगों को लगता है कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है, हाशिए पर खड़े जो करोड़ों करोड़ लोग हैं उनके लिए है। देखिए निखिल, यही बात है, ये समझने की बात है कि अब जब केंद्रीय योजना की बात हम करते हैं तो आप ये देखिए कि आज की तारीख में किसी स्टेट की कम से कम केंद्र के साथ ये शिकायत नहीं है कि वो उनके पास में ये योजना नहीं पहुंची है। प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप स्कीम है उसका आप देखिए कि अभी आपने अभी आपने ताजा देखा था जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो आपने देखा था कि किस तरीके से ये योजनाएं जो है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, जो बॉटम लाइन के 20% के लोग हैं, उनके बीच में सबसे ज्यादा पहुंचा है। तो आप ये देख लीजिए केरल के जो ये अभिवादन आप देख रहे हैं, लोगों का जो जिस तरह से चीयरिंग आप देख रहे हैं, तो ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो ये सारे स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, वो इन लोगों के पास पहुंचा है जो इसके हकदार है, चाहे वो केरल के हों, नॉर्थ ईस्ट के हों या फिर। Thank you.
जो प्रधानमंत्री की वेशभूषा है उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये वेशभूषा भी केरल के परिधान धारण कर रखे हैं प्रधानमंत्री ने, उसी तरह से एक उत्तरीय और रेशमी किनारे की धोती कुर्ते के साथ प्रधानमंत्री ने जो पहनी है वो केरल के परिधान से मेल खाती है, केरल का परिधान है दरअसल। और इस बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपना अपनी कार से वो नीचे उतर आए हैं और पैदल ही लोगों के बीच में पहुंच गए हैं। ये दृश्य अभूतपूर्व है कोची के लोगों के लिए भी, सभी के लिए। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग किस तरह से उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, प्रफुल्लित हैं, उनके प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं और इस क्षण को वो गंवाना नहीं चाहते। फूलों की बारिश कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री के ऊपर, और इस जो जो भीड़ उमड़ी है हजारों हजार की संख्या में, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है केरल के कोची में। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का परिचायक है आप देख सकते हैं, और शायद कुछ वर्षों पहले तक इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भाजपा के किसी नेता का इस तरह से जन सैलाब उमड़कर स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ये परिचायक है कि सुदूर केरल में के कोची में भी लोग उमड़ पड़े हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। स्थानीय भाषा में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, प्रधानमंत्री के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हुए आम लोग, और ये देखिए किस तरह से फूलों की बारिश हो रही है। लगातार पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री के मार्ग को आच्छादित कर दिया गया है, भर दिया गया है। ये जो स्वर हैं, जो एम्बियंस हैं, उसको फील करिए, उसको महसूस करिए, लोगों के जोश को, लोगों के उत्साह को, उनके उमंग को, उनके प्रेम को। ये दरअसल इस ये भावना जो है, ये जो भावनाओं का ज्वार है, इसको महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इसका वर्णन करना भी शायद संभव नहीं है। किस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और घंटों से इंतजार कर रहे थे ये लोग ताकि एक झलक अपने प्रधानमंत्री की पा सके। एक नया ट्रेंड अब चला है, हाथ में मोबाइल फोन होता है और उसमें कैमरे से इस क्षण को कैद करना चाहते हैं लोग। जैसे जैसे प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं, लोगों का उत्साह, उमंग चरम पर पहुंच जाता है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है ये पूरा इलाका, हाथ हिलाकर स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शुरू में अपनी कार में सवार थे प्रधानमंत्री, लेकिन इतनी भारी भीड़ को देखकर वो स्वयं पैदल ही लोगों के बीच पहुंच गए। ये लगातार पुष्प वर्षा जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं, और किसी बड़े फिल्म स्टार का की भी इतनी लोकप्रियता नहीं होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोगों के बीच में हैं, केरल के कोची शहर में हैं, और एक बड़ा हुजूम लोगों का उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर पहुंच चुका है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका, लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के लिए
पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए समर्पित रहते हैं, ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारक है। स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इस देश के गरीब गुरबे हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी सेवा करने को हुई अपने जीवन का संकल्प मान लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक के बाद एक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी गरीबों को उन्मुख ऐसी योजनाएं जो उनके कल्याण को दर्शाती, ये देखिए किस तरह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आरती लेकर के थाली सजा करके लोग खड़ी हुई है महिलाएं कि वो अपने प्रधानमंत्री का की आरती उतारेंगी। ये भाव, ये समर्पण, ये प्रेम, ये भावना बहुत बिरले देखने को मिलती है। लगातार पुष्प वर्षा, शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग कमी जुटे होंगे इन सड़कों पर इससे पहले। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर, इन दृश्यों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शैलेंद्र, आप इससे पहले शायद सुदूर दक्षिण के राज्य में और वो भी केरल में कभी कल्पना नहीं की होगी भाजपा के किसी नेता ने, या उत्तर भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों ने, कि इस तरह से इस कदर प्रधानमंत्री का किसी भारत बीजेपी के नेता का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री का ये स्वागत दिखाता है कि उन्होंने लोकप्रियता की का जो शीर्ष है, जो चरम है, उससे भी ऊपर है वो। निखिल, यही वजह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। उत्तर भारत का कोई राज्य हो या फिर दक्षिण भारत का राज्य हो, बीजेपी सत्ता में हो या फिर बीजेपी विपक्ष में हो या फिर बीजेपी उस राज्य में अपनी जड़ें जमाने के लिए संघर्ष करती रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं तब हम देखते हैं कि वो तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसमें पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी महिला किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहती हैं, युवा किस तरह से स्वागत करना चाहते हैं। तो सभी वर्गों में, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी वर्गों में से एक समान लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह किसी भी राज्य में जब वो जाते हैं और इस तरह से स्वागत होना, निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह देती हैं, उस बात की तस्दीक करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह की लोकप्रियता हासिल है, चाहे वो केरल कोची में आज आप देख रहे हैं या इससे पहले आपने कर्नाटक में तस्वीरें देखी होंगी या बाकी राज्यों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां पर जब तस्वीरें आती हैं, हर जगह वो एक तस्वीर से वो बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग कितना प्यार करते हैं, कितना उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और प्रधानमंत्री भी कोई वो मौका नहीं छोड़ते, खुद तो वो हम देखते हैं कि रोड शो के दौरान उतर कर पैदल चलते हैं। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पैदल चलते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस पर खुद वर्षा हो रही है और वो सड़क के दोनों तरफ जो जनता खड़ी हुई है हाथ मिलाकर स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जनता से जुड़ते हैं, उनके संवाद कौशल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो इस तरह से जनता उनका स्वागत करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है, वो लोगों का स्वागत स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उसके स्वागत को अपने तौर पर वो लोगों का स्वागत स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उसके स्वागत को अपने तौर पर दे पाए। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें वो दिखाती है कि यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। और जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं फूलों से लगभग नहला दिया है प्रधानमंत्री को, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, और जिस तरह से देखने में आता है जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब प्रिय खिलाड़ी या जो खिलाड़ी जब चौके छक्के मारते, आजकल आईपीएल भी हो रहा है, तो जो जिस तरह से उत्साह से चीखते चिल्लाते जो दर्शक है वो दिखाई पड़ते, कुछ उस तरह का उत्साह, उतने आंदोलित, उतने उत्तेजित, उतने प्रसन्न चित्त दर्शक जो है जैसे दिखाई देते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर जो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये उत्साह की तस्वीरें हैं, लोग लगातार हाथ हिला रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। हर व्यक्ति को लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनसे उन्मुख हैं, उनसे मुखातिब हैं और वो
हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी मौजूद हैं। राजेश, ये जो एक परिवर्तन केरल के राज्य में देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसका आकलन करेंगे? कुछ समय पहले तक शायद सुदूर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह का उत्साह, इस तरह का समर्थन सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए निखिल, मैं पिछले 3 दिनों से केरल में मौजूद हूँ और जो ये कोच्चि जहाँ पर रोड शो चल रहा है उसको मैं लगातार कवर कर रहा हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ पर केरल के जो नौजवान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि दोपहर से तकरीबन 12 बजे से लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका था। मैं रोड शो से पहले तकरीबन 3-4 घंटों से मैं प्रचंड धूप में सड़कों पर खड़ा था और उस वक्त जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो देखने योग्य थी। दोपहर से ही लोग जो बैरिकेड लगाए गए थे निखिल, उन बैरिकेड के बगल में लोग खड़े होकर जहाँ एक तरफ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, वही फूल बरसाने के लिए फूलों की जो गुलाब की जो पंखुड़िया थी या गेंदा फूल की जो पंखुड़िया थी उसको रखा गया था। साथ ही जो कलाकार थे, जो कलाकार है, कलाकार भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत करने के लिए दोपहर से पलक पावड़े बिछाए हुए थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका जोरदार अभिनंदन, इस्तकबाल और स्वागत किया जाएगा। और वही नजारा मैं देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और दोनों तरफ जो पंक्तिबद्ध लोग खड़े हैं वो प्रचंड नारे के साथ पूरा जो माहौल है वो गुंजायमान हो चला है और धीरे धीरे उनकी गाड़ी जो है वो जहाँ पर SH कॉलेज जो रैली ग्राउंड है, रैली ग्राउंड की तरफ उनकी गाड़ी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं और रैली ग्राउंड की अगर बात करें तो रैली ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ है। जो राज्य के नौजवान है, जो कॉलेज के स्टूडेंट है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स है, पत्रकार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करना चाहते हैं, वो देश के विकास मॉडल को समझना चाहते हैं ताकि जो हिंदुस्तान का विकास मॉडल है निखिल जी वो कैसे केरल का विकास मॉडल बने, इसके लिए तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से है। तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है वो केरल बीजेपी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत अनेक जो राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता है जो रैली स्थल पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोड शो से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अब अपने SH कॉलेज ग्राउंड जहाँ पर युवम मेगा यूथ कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे ग्राउंड पर वो पहुंचने की तैयारी। ये दृश्य जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, राजेश राज देख रहे हैं, जैसे सड़कों को गेंदे के फूल से पाट दिया गया है, लगातार जो गाड़ी के शीशे हैं वो साफ करने पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं पैदल चलकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं और अब वो अपनी गाड़ी पर एक तरह से गेट पर बाहर जो जिसको कहते हैं जिस तरह से वो हाथ पकड़कर बाहर एक तरह से निकलकर खड़े हो जाते हैं वो दृश्य अब देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है और ये स्वतः स्फूर्त है जो लोग आए हैं यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो आनंद, जो उत्साह, जो जिस तरह से लोग प्रफुल्लित है वो देखने को बनता है और इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा हुजूम केरल में जिस तरह से जुटा हुआ है ये शायद अकल्पनीय था पहले। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल जो है। विनोद जी, आपको लगता है कुछ वर्षों पहले तक सुदूर केरल में, दक्षिण भारत में और किसी भाजपा नेता की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, उनकी जो लोकप्रियता है उससे उसमें लगातार उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कभी इससे पहले सोचा गया था कि इस तरह से किसी प्रधानमंत्री का स्वागत होगा? क्या वजह, प्रमुख वजह देखते हैं इसकी? निखिल, मैं इस रोड शो पे तो हमारे रिपोर्टर वहां बता रहे थे और मुझे लगता है कि वो जो ग्राउंड जीरो पे खड़े होके बता रहे थे वो तो समझने की जरूरत है ही जी। लेकिन ये रोड शो आज की तारीख में जो पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने की बात हो रही है उनको भी ये समझने की जरूरत है कि रीच आउट क्या होता है। इसको पीएम मोदी ने जब तक साबित किया है, चाहे वो बनारस में रोड शो करके हो, गुजरात में रोड शो करके हो, नॉर्थ ईस्ट में रोड शो करके हो, या आप महाराष्ट्र में उनके मुंबई में आप देख लें या साउथ में कर्नाटक में देख लें, पीएम ने रोड शो के जरिए डायरेक्ट सीधे सीधे आम आदमी से अपना संवाद बनाने की कोशिश की है। ये रिचार्ज जो है वो बताता है
कि जब एक प्राइम मिनिस्टर जननायक के रूप में देश में आता है, जब एक प्राइम मिनिस्टर का सीधे जनता से संवाद होता है, तो वो कोई राजनीतिक फॉर्मूला डाइनिंग रूम में या एसी रूम में नहीं बनाता है। ये सारे विपक्ष के लीडर जो आज हम देख रहे थे कि ये इस डाइनिंग रूम से उस डाइनिंग रूम में, इस विपक्ष के नेता उस विपक्ष के रूप में वो मिल रहे हैं, और जो 2024 के लिए अपने अपने फॉर्मूले बना रहे हैं, उनके सामने में सबसे बड़ा टारगेट पीएम मोदी का ये रोड शो है, जो ये बताता है कि जो जन समर्थन और जन सैलाब पीएम मोदी के लिए केरल में भी अगर उभर के आता है, कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में या बाकी स्टेट में फिर उसका जो चमत्कार है, करिश्मा है, वो किस रूप में पब्लिक रूप में दिखता है। तो सवाल सीधा है, ये राजनीतिक मैसेज भी है कि जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे या जनता का जुड़ाव आपसे नहीं होगा, तब आप 2+2=4 करेंगे, तो ये राजनीति में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। राजनीति में सक्सेस तब होता है जब उसका राजनीतिक नेतृत्व का सीधा जनता से संवाद होता है। आप देख रहे हैं कि घरों में, बालकनी में, खिड़कियों में जो एक भीड़ लगी हुई है, लोग देख रहे हैं पीएम मोदी को वहां से अभिवादन कर रहे हैं, ये एक लगाव है। वो किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, केरला में क्या फैक्टर है, राजनीति का क्या इक्वेशन है, ये सब दूर की बात है। सीधी बात ये है कि वो डायरेक्ट पीएम मोदी को जान रहे हैं, वो डायरेक्ट पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं, तो पीएम मोदी उनके सामने में एक ऐसे टॉप लीडर है जो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके सामने में सबसे बड़ी इमेज है, ये रूट शो बता रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी उस इलाके में रोड शो कर रहे हैं जहां उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहां आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एमपी तक सारे लेफ्ट के, यूडीएफ से लेके और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, बीजेपी का अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन अगर उस इलाके में पीएम का ये सपोर्ट मिलता है, ये जन समर्थन मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से अलग हटके जनता के बीच में वो अभी भी राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता है। लेकिन निश्चित तौर पर विनोद जी, और इस संवेद स्वर को जो ये शोर उठ रहा है, मोदी मोदी के जो नारे लग रहे हैं, ये जो भावना है, इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से जो प्रसन्न चित्त चेहरे, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब चौके छक्के लगते हैं तो लोग खुशी से चीख पड़ते हैं, कुछ उस तरह से चीखते चिल्लाते संवेद स्वर में शोर मचाते, मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान करते हुए पूरा इलाका, पूरा माहौल, और हर व्यक्ति वहां जो खड़ा है सड़क के किनारे, वो एक झलक तो पाना ही चाहता है। हर व्यक्ति हाथ हिला रहा है, उसको लगता है कि प्रधानमंत्री उनको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और वो एक बार अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर ले, इस्तकबाल कर ले। जिस लोकप्रियता की बात आप प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, आप जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और देश के हर हिस्से में जो केंद्रीय योजनाएं हैं विनोद मिश्रा जी, वो पहुंचती हैं, शायद ये एक वजह है कि लोगों को लगता है कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है, हाशिए पर खड़े जो करोड़ों करोड़ लोग हैं उनके लिए है। देखिए निखिल, यही बात है, ये समझने की बात है कि अब जब केंद्रीय योजना की बात हम करते हैं, तो आप ये देखिए कि आज की तारीख में किसी स्टेट की कम से कम केंद्र के साथ ये शिकायत नहीं है कि वो उनके पास में ये योजना नहीं पहुंची है। प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप स्कीम है, उसका आप देखिए कि अभी आपने अभी अपने देश ताजा देखा था, जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो आपने देखा था कि किस तरीके से ये योजनाएं जो है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, जो बॉटम लाइन के 20% के लोग हैं, उनके बीच में सबसे ज्यादा पहुंचा है। तो आप ये देख लीजिए केरल के जो ये अभिवादन आप देख रहे हैं, लोगों का जो जिस तरह से चीयरिंग आप देख रहे हैं, तो ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो ये सारे स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, वो इन लोगों के पास पहुंचा है जो इसके हकदार है, चाहे वो केरल के हों, नॉर्थ ईस्ट के हों, या फिर गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों। ये देखिए, ये फूल का जो किस तरह से वो बारिश कर रहे हैं, किस तरह से पुष्पमाला उन पे फेंक रहे हैं, तो ये बताता है कि उनका जो पर्सनल कनेक्शन है वो पीएम यहाँ पर जारी है। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, और ये कोची से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री इस वक्त अपने वाहन से उतरकर सड़क पर पैदल ही लोगों के बीच आ गए हैं।
ये अभूतपूर्व दृश्य है। जो प्रधानमंत्री की वेशभूषा है उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये वेशभूषा भी केरल के परिधान धारण कर रखे हैं प्रधानमंत्री ने, उसी तरह से एक उत्तरीय और रेशमी किनारे की धोती कुर्ते के साथ प्रधानमंत्री ने जो पहनी है वो केरल के परिधान से मेल खाती है। केरल का परिधान है दरअसल। और इस बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी कार से वो नीचे उतर आए हैं और पैदल ही लोगों के बीच में पहुंच गए हैं। ये दृश्य अभूतपूर्व है कोची के लोगों के लिए भी, सभी के लिए। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग किस तरह से उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, प्रफुल्लित हैं। उनके प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं और इस क्षण को वो गंवाना नहीं चाहते। फूलों की बारिश कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री के ऊपर। और इस जो भीड़ उमड़ी है हजारों हजार की संख्या में, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है केरल के कोची में। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का परिचायक है आप देख सकते हैं। और शायद कुछ वर्षों पहले तक इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भाजपा के किसी नेता का इस तरह से जन सैलाब उमड़कर स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का यह परिचायक है कि सुदूर केरल में के कोची में भी लोग उमड़ पड़े हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। स्थानीय भाषा में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, प्रधानमंत्री के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हुए आम लोग। और ये देखिए किस तरह से फूलों की बारिश हो रही है। लगातार पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री के मार्ग को आच्छादित कर दिया गया है, भर दिया गया है। ये जो स्वर हैं, जो एम्बियंस हैं, उसको फील करिए, उसको महसूस करिए, लोगों के जोश को, लोगों के उत्साह को, उनके उमंग को, उनके प्रेम को। ये दरअसल ये भावना जो है, ये जो भावनाओं का ज्वार है, इसको महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इसका वर्णन करना भी शायद संभव नहीं है। किस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और घंटों से इंतजार कर रहे थे ये लोग ताकि एक झलक अपने प्रधानमंत्री की पा सके। एक नया ट्रेंड अब चला है, हाथ में मोबाइल फोन होता है और उसमें कैमरे से इस क्षण को कैद करना चाहते हैं लोग। जैसे जैसे प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं, लोगों का उत्साह, उमंग चरम पर पहुंच जाता है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है ये पूरा इलाका। हाथ हिलाकर स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शुरू में अपनी कार में सवार थे प्रधानमंत्री, लेकिन इतनी भारी भीड़ को देखकर वो स्वयं पैदल ही लोगों के बीच पहुंच गए। ये लगातार पुष्प वर्षा जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं।
और किसी बड़े फिल्म स्टार का की भी इतनी लोकप्रियता नहीं होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोगों के बीच में हैं, केरल के कोची शहर में हैं, और एक बड़ा हुजूम लोगों का उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर पहुंच चुका है। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका। लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के लिए पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए समर्पित रहते हैं, ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारक है। स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इस देश के गरीब गुरबे हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी सेवा करने को हुई अपने जीवन का संकल्प मान लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक के बाद एक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी गरीबों को उन्मुख ऐसी योजनाएं जो उनके कल्याण को दर्शाती। ये देखिए किस तरह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आरती लेकर के थाली सजा करके लोग खड़ी हुई हैं महिलाएं कि वो अपने प्रधानमंत्री का की आरती उतारेंगी। ये भाव, ये समर्पण, ये प्रेम, ये भावना बहुत बिरले देखने को मिलती है। लगातार पुष्प वर्षा, शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग कमी जुटे होंगे इन सड़कों पर इससे पहले। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर, इस इन दृश्यों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शैलेंद्र, आप इससे पहले शायद सुदूर दक्षिण के राज्य में, और वो भी केरल में, कभी कल्पना नहीं की होगी भाजपा के किसी नेता ने, या उत्तर भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों ने, कि इस तरह से इस कदर प्रधानमंत्री का किसी भारत बीजेपी के नेता का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री का ये स्वागत दिखाता है कि उन्होंने लोकप्रियता की का जो शीर्ष है, जो चरम है, उससे भी ऊपर है वो। निखिल, यही वजह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। उत्तर भारत का कोई राज्य हो या फिर दक्षिण भारत का राज्य हो, बीजेपी सत्ता में हो या फिर बीजेपी विपक्ष में हो या फिर बीजेपी उस राज्य में अपनी जड़ें जमाने के लिए संघर्ष करती रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं तब हम देखते हैं कि वो तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी महिला किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहती हैं, युवा किस तरह से स्वागत करना चाहते हैं। तो सभी वर्गों में, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी वर्गों में एक समान लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह किसी भी राज्य में जब वो जाते हैं और इस तरह से स्वागत होना, निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह देती हैं, उस बात की तस्दीक करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह की लोकप्रियता हासिल है, चाहे वो केरल कोची में आज आप देख रहे हैं या इससे पहले आपने कर्नाटक में तस्वीरें देखी होंगी या बाकी राज्यों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पर जब तस्वीरें आती हैं हर जगह वो एक तस्वीर से वो बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग कितना प्यार करते हैं, कितना उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और प्रधानमंत्री भी कोई वो मौका नहीं छोड़ते, खुद वो हम देखते हैं कि रोड शो के दौरान उतर कर पैदल चलते हैं। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पैदल चलते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस पर खुद वर्षा हो रही है और वो सड़क के दोनों तरफ जो जनता खड़ी हुई है हाथ मिलाकर स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जनता से जुड़ते हैं, उनके संवाद कौशल को तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो इस तरह से जनता उनका अभिवादन करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है, वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उसके अभिवादन को वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर पाए, उन्हें इस तरह से उसके अभिवादन को अपने तौर पर दे पाए। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें वो दिखाती है कि यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। और जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं फूलों से लगभग नहला दिया है प्रधानमंत्री को, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, और जिस तरह से देखने में आता है जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब प्रिय खिलाड़ी या जो
खिलाड़ी जब चौके छक्के मारते, आजकल आईपीएल भी हो रहा है, तो जो जिस तरह से उत्साह से चीखते चिल्लाते जो दर्शक है वो दिखाई पड़ते हैं, कुछ उस तरह का उत्साह, उतने आंदोलित, उतने उत्तेजित, उतने प्रसन्न चित्त दर्शक जो है जैसे दिखाई देते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर जो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये उत्साह की तस्वीरें हैं, लोग लगातार हाथ हिला रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। हर व्यक्ति को लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनसे उन्मुख हैं, उनसे मुखातिब हैं, और वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी मौजूद हैं। राजेश, ये जो एक परिवर्तन केरल के राज्य में देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसका आकलन करेंगे? कुछ समय पहले तक शायद सुदूर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह का उत्साह, इस तरह का समर्थन सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए निखिल, मैं पिछले 3 दिनों से केरल में मौजूद हूँ, और जो ये कोच्चि जहाँ पर रोड शो चल रहा है उसको मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ पर केरल के जो नौजवान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, हम देख पा रहे हैं कि दोपहर से तकरीबन 12 बजे से लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका था। मैं रोड शो से पहले तकरीबन 3-4 घंटों से मैं प्रचंड धूप में सड़कों पर खड़ा था, और उस वक्त जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो देखने योग्य थी। दोपहर से ही लोग जो बैरिकेड लगाए गए थे निखिल, उन बैरिकेड के बगल में लोग खड़े होकर जहाँ एक तरफ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, वही फूल बरसाने के लिए फूलों की जो गुलाब की जो पंखुड़िया थी या गेंदा फूल की जो पंखुड़िया थी उसको रखा गया था। साथ ही जो कलाकार थे, जो कलाकार है, कलाकार भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत करने के लिए दोपहर से पलक पावड़े बिछाए हुए थे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका जोरदार अभिनंदन, इस्तकबाल और स्वागत किया जाएगा। और वही नजारा मैं देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और दोनों तरफ जो पंक्तिबद्ध लोग खड़े हैं वो प्रचंड नारे के साथ पूरा जो माहौल है वो गुंजायमान हो चला है, और धीरे धीरे उनकी गाड़ी जो है वो जहाँ पर SH कॉलेज जो रैली ग्राउंड है, रैली ग्राउंड की तरफ उनकी गाड़ी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, और रैली ग्राउंड की अगर बात करें तो रैली ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ है। जो राज्य के नौजवान है, जो कॉलेज के स्टूडेंट है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, पत्रकार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करना चाहते हैं, वो देश के विकास मॉडल को समझना चाहते हैं, ताकि जो हिंदुस्तान का विकास मॉडल है निखिल जी, वो कैसे केरल का विकास मॉडल बने, इसके लिए तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से है। तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, वो केरल बीजेपी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत अनेक जो राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता है जो रैली स्थल पर मौजूद है, और प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोड शो से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अब अपने SH कॉलेज ग्राउंड जहाँ पर युवम मेगा यूथ कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे जी, ग्राउंड पर वो आप पहुंचने की तैयारी। ये दृश्य जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, राजेश राज देख रहे हैं, जैसे सड़कों को गेंदे के फूल से पाट दिया गया है, लगातार जो गाड़ी के शीशे हैं वो साफ करने पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं पैदल चलकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं, और अब वो अपनी गाड़ी पर एक तरह से गेट पर बाहर जो जिसको कहते हैं जिस तरह से वो हाथ पकड़कर बाहर एक तरह से निकलकर खड़े हो जाते हैं, वो दृश्य अब देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है, और ये स्वतः स्फूर्त है जो लोग आए हैं यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो आनंद, जो उत्साह, जो जिस तरह से लोग प्रफुल्लित है वो देखने को बनता है, और इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा हुजूम केरल में जिस तरह से जुटा हुआ है ये शायद अकल्पनीय था पहले। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल जो है। विनोद जी, आपको लगता है कुछ वर्षों पहले तक सुदूर केरल में, दक्षिण भारत में, और किसी भाजपा नेता की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, उनकी जो लोकप्रियता है उससे उसमें लगातार उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कभी इससे पहले सोचा गया था कि इस तरह से किसी प्रधानमंत्री का स्वागत होगा? क्या वजह, प्रमुख वजह देखते हैं इसकी? निखिल, मैं इस रोड शो पे तो हमारे रिपोर्टर वहां बता रहे थे,
और मुझे लगता है कि वो जो ग्राउंड जीरो पे खड़े होके बता रहे थे वो तो समझने की जरूरत है ही, लेकिन ये रोड शो आज की तारीख में जो पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने की बात हो रही है उनको भी ये समझने की जरूरत है कि रीच आउट क्या होता है। इसको पीएम मोदी ने जब तक साबित किया है, चाहे वो बनारस में रोड शो करके हो, गुजरात में रोड शो करके हो, नॉर्थ ईस्ट में रोड शो करके हो, या आप महाराष्ट्र में मुंबई में आप देख लें, या साउथ में कर्नाटक में देख लें, पीएम ने रोड शो के जरिए डायरेक्ट सीधे सीधे आम आदमी से अपना संवाद बनाने की कोशिश की है। ये रीच आउट जो है वो बताता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर जननायक के रूप में देश में आता है, जब एक प्राइम मिनिस्टर का सीधे जनता से संवाद होता है, तो वो कई राजनीतिक फॉर्मूला डाइनिंग रूम में या एसी रूम में नहीं बनाता है। ये सारे विपक्ष के लीडर जो आज हम देख रहे थे कि ये इस डाइनिंग रूम से उस डाइनिंग रूम में, इस विपक्ष के नेता उस विपक्ष के रूप में वो मिल रहे हैं, और जो 2000 मिशन 2024 के लिए अपने अपने फॉर्मूले बना रहे हैं, उनके सामने में सबसे बड़ा टारगेट पीएम मोदी का ये रोड शो है, जो ये बताता है कि जो जन समर्थन और जन सैलाब पीएम मोदी के लिए केरल में भी अगर उभर के आता है, कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में या बाकी स्टेट में फिर उसका जो चमत्कार है, करिश्मा है, वो किस रूप में पब्लिक रूप में दिखे।